के संकट में माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राखी का त्योहार मनाया। सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर से करीब 250 बच्चे पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह चौहान को बच्चों ने राखी बांधी। आयुष चतुर्वेदी नाम के दिव्यांग बच्चे को व्हील चेयर को थामे सीएम शिवराज ने सभी बच्चों को कई नामचीन हस्तियों के जीवन से जुड़ी कहानियां सुनाई। सीएम हाउस में लगी फोटो प्रदर्शनी में सीएम ने बच्चों को दिवाली के समय हुए कार्यक्रम की फोटो दिखाई। पिछली दीपावली पर कोविड के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के साथ दीपावली मनाई थी। सीएम हाउस में पिछले आयोजन के फोटो देखकर बच्चे रोमांचित हो उठे। कोरोना में माता पिता को खोने वाली प्रियंका वर्मा ने कहा, अब चिंता मत करना मेरे बच्चों, तुम्हारा हौसला भी आसमान तक जाएगा। याद रखना, तुम्हारे सपनों को पंख लगाने तुम्हारा मामा शिवराज जरूर आएगा। एक दिन आया था मेरी जिंदगी में जब मेरे माता पिता मुझे अकेला छोड़कर भगवान के घर चले गए थे। फिर लगा कि अब क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि मैं किसी पर बोझ हूं, क्योंकि मेरे मामा शिवराज मेरे साथ हैं। ये सुनकर सीएम खड़े हुए और प्रियंका के सिर पर हाथ रख कर बोले, चिंता मत करो, मैं हूं ना। वही बाल निकेतन से आई रिहायना ने कहा, जैसे हम हर रक्षाबंधन पर अपने मामा के घर जाते हैं, वैसे ही अपने शिवराज मामा के घर आए हैं।